नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो इस साल एचपी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मैंने जो है पिछले साल के पेपर की वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकें। तो एचपी सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसका थोड़ा सा सिलेबस मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस पे जो सबसे पहले है जनरल इंग्लिश ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश है तो दिखती सी बात है टफ आएगी इंग्लिश। तो इंग्लिश पे आप मेन फोकस करें, मेरिट जो है इंग्लिश ही बनाएगी, बाकी जीके, हिंदी, ये तो जनरल साइंस, ये तो सभी पढ़ लेते हैं और सबका अच्छा होता है। तो जो इंग्लिश में मार्क्स अच्छे लाएगा मुझे लगता है वही क्वालिफाई करेगा। तो हिंदी जो है मैट्रिक स्टैंडर्ड की है। नेक्स्ट है आपका जीके, जो है एचपी का जीके आएगा, और एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, इस पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पे आप ध्यान दें, और करंट अफेयर के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें। एचपी का करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन नेशनल लेवल पे जो है आप करंट अफेयर ज़रूर देखें। गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दें, गेम्स से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले साल का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स, तो इसका सही आंसर है चंदेलास। तो नेक्स्ट है हुज़ फिलोसफी इज़ कॉल्ड द एद्विता, तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। तो नेक्स्ट है द लोधी डेस्टनी वॉज फाउंडेड बाय, तो इसका सही आंसर है बहलोल लोधी। नेक्स्ट है द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर, तो इल्तुतमिश जो है इन्होंने जो है आपकी कुतुब मीनार कंप्लीट की थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा, तो मॉस्को। नेक्स्ट है हु एमंग द सिख गुरुज फाउंडेड द गुरु मुक्ति स्क्रिप्ट, तो इसका सही आंसर है गुरु अंगद। ये जो है गुरु से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट है कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ, तो रामानंदा। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अलवर सेंट्स। नेक्स्ट है अकबर लॉन्च्ड दीन ए इलाही इन द ईयर, तो इसका सही आंसर है 1582, 1582 में। तो अकबर जो है, अकबर और इनकी जो अकबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, तो ज़रूर देख लें अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, तो गोलकंडा। गोलकंडा की खान से जो है कोहिनूर हीरा निकला था। तो आप कमेंट करें कि गोलकुंडा का खान पे जो है ये खान है। नेक्स्ट है जजिया वॉज रिम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये क्वेश्चन आपका जो है डेट में भी आया था, तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। तो नेक्स्ट है हु वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी, तो इसका सही आंसर है अफजल खान। नेक्स्ट है हु बिल्ट द फेमस गोल गुंबज एट बीजापुर, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अदिल शाह। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्निवल्स। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ, तो रेटवारी सिस्टम। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ, तो ये रिपीट हो गया, रेटवारी सिस्टम। नेक्स्ट है आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड, तो इसका सही आंसर है इडोलेट्री। नेक्स्ट है अजीब अजीब से जो है क्वेश्चंस हैं, तो आप जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे जो है ज़्यादा ध्यान रखें, बाकी ज्योग्राफी तो मैक्सिमम लोग पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट है कुकू मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह। द गल्फ ऑफ म्यांमार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार, म्यांमार नहीं है सॉरी, मनार, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT, तो IST और GMT में जो है डिफरेंस कितना है, तो इसका सही आंसर है 5.5 घंटे, 5 आवर्स 30 मिनट्स।
तो जीएमटी आपको पता ही होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, और जो है आईएसटी जो है, जो इंडिया का जो है टाइम हो गया, जो इलाहाबाद में जो इसका स्थान है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो डोडा बेटा। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज़, तो इसका आंसर है लूनी। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, तो राइनोस के लिए। ये क्वेश्चन भी आपका टेट के एग्ज़ाम में आया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कमेंट करें काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, और जो है आपका भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली ऑफ केरला, इसमें जो क्या है, कंटेन्स रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, साइलेंट वैली, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ग्रेड एंड द बेस्ट क्वालिटी कोल इज़, तो इसका सही आंसर है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो डीजल के जो है ये उपकरण कहाँ पे बनते हैं, तो वाराणसी में। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट लेवल TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ इक्विवेलेंट टू डैश, तो इसका सही आंसर है 2.1। नेक्स्ट है व्हाट इज शगुन, शगुन शगुन क्या है, तो इसका सही आंसर है ए डेडिकेटेड वेब पोर्टल फॉर सर्व शिक्षा अभियान, जो है शगुन जो है सर्व शिक्षा अभियान का जो है डेडिकेटेड वेब पोर्टल है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 68th रिपब्लिक डे सेरेमनी इन दिल्ली, तो इसका सही आंसर है क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप जो है ये पिछले साल का करंट अफेयर का था, तो इस साल के करंट अफेयर पे आप जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ भीम, भीम ऐप आपको पता ही होगा, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो है सरकारी ऐप है, तो ए पेमेंट ऐप। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हेल्ड, तो इसका सही आंसर है वाराणसी सारनाथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड, शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो ए लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज विदड्रॉन इट्स मेंबरशिप विद फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिसेंट टाइम्स, तो इसका सही आंसर है रशिया। ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप कमेंट करें जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो कहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका टेट के एग्ज़ाम में आया था, नॉन मेडिकल में आई थिंक, तो आप बताएं कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है। और हाँ इंटरपोल का ऑफिस कहाँ है, ये भी कमेंट जरूर करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया बिकेम एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय चाइना, ये भी पिछले साल का करंट का है, तो इस साल आप देख लें 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक आ गए हैं करंट अफेयर के, तो आप ध्यान रखें कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ये भी करंट का है पिछले साल का, रिसेंटली इन जनवरी 2017 शरद पवार वॉज अवॉर्डेड विद, तो इसका सही आंसर है पद्म विभूषण। अवार्ड का आप खासकर ध्यान रखें भी कौन सा अवार्ड किसको मिला है, तो करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने का जरूर देखें। आपका एचपी का करंट अफेयर नहीं आता है ज़्यादा, नेशनल लेवल का आता है, तो आप नेशनल लेवल के करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्यूरिंग 62 फिल्म अवार्ड सेरेमनी 2017, तो इसका सही आंसर है दंगल। और कमेंट करें 2018 की बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। नेक्स्ट है हु वन द नोबल प्राइज 2016 इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी, तो इसका सही आंसर है योशिनोरी ओशुमनी, ये भी करंट का अफेयर है। देखो आप 6 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन, और ये भी करंट अफेयर का ही है, तो 8 क्वेश्चन अभी तक 40 में से 7 या 8 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के बन गए हैं, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो है आजकल जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर करंट अफेयर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ RBI, तो आजकल कौन से हैं, तो आपको पता ही होगा पहले जो है ये जो है पहले के हैं उर्जित पटेल जी। नेक्स्ट है दिलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर है सिरमौर। एचपी यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1970।
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 82.8%। हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी टचेस बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है किसका बॉर्डर शेयर करता है? तो मंडी का। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? तो इसका सही आंसर है वाई एस परमार। शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय? तो इसका सही आंसर है बुद्धिस्ट। द फोक डांस शान एंड शाबू इज डिवोटेड टू डैश? तो लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट है, बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर है हमीरपुर। टेम्पल्स जो है काफ़ी ज़रूरी हैं, आप पढ़ लें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी इज प्रपोज टू बिकम सोलर सिटी? तो इसका सही आंसर है शिमला एंड हमीरपुर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ एच पी इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज? तो इसका सही आंसर है बद्दी। बद्दी आपको पता ही है हिमाचल की जो है क्या है आपकी इंडस्ट्रियल जो है राजधानी है बद्दी, जो है सारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है बद्दी में ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स? तो वैली ऑफ गॉड्स कौन सी है? कुल्लू, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू महाभारत हु फाउंडेड कटच मोनार्ची ड्यूरिंग 1400 BC? तो सुशर्मा चंद्र। नेक्स्ट है, ऑन 25 January 1971 हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज द 18th स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज द ओल्डेस्ट? तो ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन दी होंगी, उनमें से एक आंसर है, तो ऑप्शन और भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ इन विच ईयर वॉज द इसरो फाउंडेड? तो 1969। तो आप कमेंट करें कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट? तो इसका सही आंसर है ढाका। नेक्स्ट है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो इसका सही आंसर है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो आपने देखा होगा कि बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो इंग्लिश के मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि उसके जो है ऑप्शन थे कुछ अलग अलग, और जो है मतलब क्वेश्चंस भी अजीब अजीब थे, तो मैंने सिर्फ जीके सेक्शन लिया है, तो इसमें जीके जो है आप देख लें। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज तो डैश? तो इसका सही आंसर है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक टू लिव्स? तो इसका सही आंसर है विक्रम सेठ। नेक्स्ट है, पतंजलि वॉज डैश? तो ए फिलोसोफर ऑफ द योगाचारा स्कूल? तो योगाचर्या स्कूल के जो है आपके फिलोसोफर थे पतंजलि। नेक्स्ट है, द सूर सागर इज डैश ए मेडिवल ट्रीटाइज ऑन म्यूजिक कंपोज्ड बाय तानसेन? तो सूर सागर क्या था? तानसेन के द्वारा बनाया गया म्यूजिक। नेक्स्ट है, IRDP स्टैंड्स फॉर? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IRDP आप जो है कई बच्चे जो हैं IRDP में होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है, October 24 इज ऑब्जर्व एट डैश? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस डे। आपके जीके के क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम आते हैं, तो डे एक आपका डन ही है, भी डे आएगा ही आएगा, कौन से डे पे क्या मनाते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वन द नोबल प्राइज? तो इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर है गोल्फ। आप जो है गोल्फ और लॉन टेनिस और जो है फुटबॉल इनके जो है आप देख लें कौन कौन से कप हैं, ये पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद? तो इसका सही आंसर है स्विमिंग। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स? तो इसका सही आंसर है अरविंद रोमल। नेक्स्ट है,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट है, इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज डैश द हेल द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। तो इबादत खाना क्या था जहाँ पे जो अकबर ने डिस्कशन की थी वेरियस स्कॉलर से रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड, तो कौन सी फिफ्थ ईयर प्लान में जो है गरीबी हटाओ आया था, तो इसका सही आंसर है फिफ्थ। तो कमेंट करें आप भी आजकल कौन सा चला है, तो आजकल कौन सा चला है ये भी जो है आपके टेट के एग्ज़ाम में आया था, कौन सी फिफ्थ ईयर 5 ईयर प्लान आया था। नेक्स्ट है, NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो इसका सही आंसर है 2005। विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर है चिला कमेटी। नेक्स्ट है, द टिस्टा ट्रीटी हैज़ बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड डैश, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज इन इंडियाज इज इन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016, तो 2016 में कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ यूनेस्को में, तो इसका सही आंसर है अगस्त्यमाला। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से हैं, तो ये जो है आपका क्वेश्चन आ गया जनरल साइंस से, तो जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन DNA इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल, तो बाइल का क्या फंक्शन है, इट इमल्सिफाइज फैट्स, तो ये आपके जो है आगे विटामिन के क्वेश्चन, द विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट इज विटामिन B12, तो कोबाल्ट जो है किस में होता है, विटामिन B12 में, ये क्वेश्चन भी आपका HPTET नॉन मेडिकल में आया था। तो देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप प्रीवियस पेपर को जरूर देखें। नेक्स्ट है, इट इज एग्यपति इज द वेक्टर ऑफ विच फॉलोइंग डिजीज, तो इसका सही आंसर है चिकनगुनिया। नेक्स्ट है, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय फंगस, ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है, तो देख लें एथलीट्स फुट जो है कॉज्ड बाय फंगस। नेक्स्ट है, निर्भय इज अ डैश, तो इसका सही आंसर है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल टैंक और इनके इनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख लें, जो है मिसाइल कौन सी है टैंक कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है अभी आया था टेट के एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे घुमा लिया जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड इज कनेक्टेड विद डैश, तो इसका सही आंसर है ग्रीन फील्ड नेवल बेस एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय, तो डैश इसका सही आंसर है SpaceX। नेक्स्ट है, परम पदम इज डैश एन इंडिजेनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर, तो परम क्या है आपका सुपर कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज डैश, तो टू कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज, तो असेंबलर का क्या काम है, तो इसका काम है टू कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरीज इज नॉट द प्राइमरी मेमरी ऑफ कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर है CD-ROM। आप देख सकते हैं जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो हर तरह का GK आता है, आप GK पे फोकस करें और इंग्लिश पे जरूर फोकस करें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ URL, तो इसकी जो है इट इज़ अ स्पेसिफिक करेक्टर स्ट्रिंग दैट कंस्टिट्यूट्स अ रेफरेंस टू एन इंटरनेट रिसोर्स। नेक्स्ट है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर है स्पाम, तो आपने देखा होगा जीमेल पे जो है स्पैम जो है ये स्पाम मैसेज आते रहते हैं, तो इसका मतलब है जंक ईमेल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउज़र, तो ये आपको दिया होगा, तो ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन 2011, तो इसका सही आंसर है 17.5। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया, तो जो है नेशनल इनकम की जो देते हैं रिपोर्ट देते हैं कौन देता है, तो
इसका सही आंसर है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, तो इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्शन। वीडियो को आप पॉज कर लें और नोट डाउन करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं या आपको नहीं आते हैं उनके नोट्स जरूर बनाएं, जो आते हैं उनको जो है रिवाइज कर लें। नेक्स्ट है एमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा, तो इसका सही आंसर है अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन ईयर, तो इसका सही आंसर है 2000। और ये भी बताएं कमेंट करें अंत्योदय योजना जो है हिमाचल में किसने लॉन्च की थी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू डैश, तो इसका सही आंसर है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ डैश, तो इसका सही आंसर है HIV और एड्स। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, तो इसका सही आंसर है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान, तो इसका सही आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड इन इंडिया, तो इसका सही आंसर है एन बुरलॉग। नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, तो इसका सही आंसर है इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है UNCTAD। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस सिचुएटेड, तो इंडिया की जो है करेंसी वो कहाँ पे छपती है जो नए नोट छपते हैं, तो इसका सही आंसर है नासिक। नेक्स्ट है व्हाट इज रेपो रेट, इट इज़ द रेट एट विच RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक्स, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो है 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमी भी पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक, तो इसका सही आंसर है डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट है विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो इसका सही आंसर है IRDA। नेक्स्ट है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज अंडर, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 112। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश बाय, तो इसका सही आंसर है UNDP। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डैश, तो इसका सही आंसर है ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लू चिप कंपनी, तो हाईली वैल्यूएबल कंपनी जो है उसको क्या कहते हैं ब्लू चिप कंपनी। तो नेक्स्ट है DRC वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, जो आप ऑप्शन में दिया होगा तो आपने नन ऑफ दीज किया होगा, तो इसके सीधे आंसर ही हैं। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविसेज्ड टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो 368 जो है किससे हैं रिलेटेड है, तो इसमें जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट को जो पावर है इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सोशलिज्म रेफर्स टू डैश, तो इसका सही आंसर है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज डैश ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो है ये पहली लाइन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है आधार इज़ अ प्रोग्राम, आधार क्या है टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट्स, तो आधार कार्ड क्या है आपको सबको पता ही है आइडेंटिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ लीगल राइट, RTI एक्ट एम्स एट टू डैश सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज,
जो है आपका RTI क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो आप ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज से। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एन्जॉय एनी डैश, तो इसका सही आंसर है सोशल सेंक्शन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंशनड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनश्योर डैश, तो इसका सही आंसर है नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ। और आप जो है कमेंट करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है। नेक्स्ट है हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और एस राधाकृष्णन कौन है, जिनको 1954 में जो है आपका भारत रत्न मिला था, और ये क्या थे साथ ही साथ आपके क्या थे भारत के पहले जो है भारतीय जो है गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो पहले जो है विदेश मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और होम मिनिस्टर कौन थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से पूछ जाते हैं भी, पहला आप बताएं कि पहला जो है उपराष्ट्रपति कौन था। नेक्स्ट है जापान पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज, तो इसके सही आंसर है डाइट, जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है डाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो इसका सही आंसर है 250, और लोकसभा की कितनी है कमेंट करें। नेक्स्ट है द फर्स्ट फीमेल स्पीकर स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार, तो नेक्स्ट है यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द डैश, तो इसका सही आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सेंक्शन सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर डैश नन ऑफ द एबव, ये ऑप्शन में दिया होगा तो आपका नन ऑफ द एब आंसर था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, द कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन्जॉयज डैश, तो और ओरिजिनल एपलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, और जो है आप कमेंट करें सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायरमेंट की एज अब कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, पहले 62 थी, अब कितनी हो गई है, तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट है हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट का जज जो है कौन अपॉइंट करता है, तो इसका सही आंसर है गवर्नर, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट। जो है आपके जो स्टेट में जितने भी गवर्नर होते हैं मैक्सिमम जो है गवर्नर नहीं सॉरी जो आपके जज होते हैं हाई आपके कोर्ट के जज होते हैं, तो उनको जो है गवर्नर अपॉइंट करता है सिवाय जो है हाई कोर्ट के जज के अलावा। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका सही आंसर है द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को भी जो है कौन अपॉइंट करता है गवर्नर, तो आप कमेंट करें गवर्नर की जो है आजकल जो है पेमेंट कितनी है, तो सही आंसर है 3,50,000, और आपके राष्ट्रपति की कितनी है, तो 5 लाख बढ़ा दी गई है। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो इसका सही आंसर है 1959। और नेक्स्ट है द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स 52 सब्जेक्ट, हु एडवाइसिस द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, तो अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है आपको पता ही होगा, तो आप ये क्वेश्चन भी आता है कि जो अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है, तो कमेंट करें। नेक्स्ट है हु एडवाइसिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, तो ये वही हो गया अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र, अशोक चक्र में कितनी है, 24 तिलियां हैं सभी को पता ही है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट कब बनाया गया, तो 86th अमेंडमेंट 2002 में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट है वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद प्लांटिंग ट्रीज, आपको पता ही होगा वन महोत्सव जो है
उसमें जो है प्लांटेशन की जाती है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट इज़ एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है एसिड रेन इज़ कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन, तो इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये क्वेश्चन जो है लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है सोहन कल्चर इज द अनदर नेम ऑफ, तो इसका सही आंसर है न्योलिथिक कल्चर। नेक्स्ट है विच वॉज मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, तो इसका सही आंसर है यूनिकॉर्न। वो एक सींग वाला घोड़ा आपने जो है देखा होगा, फिल्म जो है आपकी जो मोहनजोदारो मूवी आई थी उसमें भी देखा होगा, जो ऋतिक रोशन की मूवी है उसमें देखा होगा आपने, जो एक घोड़े वाला एक सींग वाला जो है घोड़ा होता है, तो जो है हड़प्पन संस्कृति में जो आता है। और कमेंट करें हड़प्पा संस्कृति ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी। नेक्स्ट है दश राजा ना वॉस, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, तो दश राग इसका सही जो है वो है दश राग। दश राग क्या है? बैटल ऑफ 10 किंग्स। नेक्स्ट है उपनिषद्स आर बुक्स ऑफ डैश, तो फिलोसफी की बुक्स हैं। नेक्स्ट है हु फाउंड इट पाटलिपुत्र, तो उदयन। नेक्स्ट है द सेकर्ड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, तो इसका सही आंसर है महायाना सेक्ट। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन साउथ इंडिया एट अ प्लेस ऑफ, तो इसका सही आंसर है श्रवण बेगोला। नेक्स्ट है द धम्मा प्रोपेगेटेड बाय, धम्मा यानी धम हिंदी में धम लिखा होता है, प्रोपेगेटेड बाय अशोका वॉज डैश द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ सत्वहानंस वॉज लोकेटेड एट डैश, तो इसका सही आंसर है अमरावती। नेक्स्ट है जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इसका सही आंसर है आर्यभट्टा, इसको जो है एंशियंट जीनियस भी कहा जाता है आर्यभट्टा को। तो आपकी पहली मिसाइल भी जो है कौन सी थी, 1975 में भेजी गई थी आर्यभट्टा, लेकिन वो जो है बाहर के सैटेलाइट स्पेस स्टेशन से भेजी गई थी। नेक्स्ट है हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो जो है इंडो ग्रीक, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, तो इसका सही आंसर है कनिष्क चरक संहिता आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट है द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्त पीरियड वॉज, तो इसका सही आंसर है गरुड़। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द हर्ष चरित्र, तो इसका सही आंसर है बाण भट्ट। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इन द अंकोरवत टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, तो इसका सही आंसर है कंपुचिया, प्रेजेंट डे जो है क्या है कंबोडिया नाम है। बस तो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे जो आपने इंग्लिश के और रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से थे वो जो है मैंने ऐड नहीं किए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे से। देखा ही होगा आपने वीडियो में जो है आपके करंट अफेयर के 9 से 10 क्वेश्चंस हैं, और जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और गेम्स से कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी आपका एक डे फिक्स है, भी डे तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट और जो है आपके मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें। तो कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से हैं, अमेंडमेंट्स इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, तो पढ़ लें, तैयारी करें अच्छे से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।